नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हजात कुमार और मैं यूपी लखनऊ से हूँ। आज हम बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल था कि सर, बारिश के दिनों में गोभी में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और इसका कैसे निवारण किया जाए। और बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल ये भी होता है कि हमारा जो पौधा होता है वो सूखने लगता है और गलने लगता है, पूरा पौधा चला जाता है, तो इसका कारण क्या होता है। आज हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे आप बरसात के दिनों में गोभी की खेती करते हैं और बरसात के दिनों में गोभी की खेती अभी कई राज्यों में, भारत के अपने कई राज्यों में हो रही है, जैसे हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी और कई जगह पर बरसात के दिनों वाली खेती हो रही है, तो उसमें दिक्कत क्या आती है। सबसे पहले हमें, जब हम खेत अपना तैयार करते हैं, इसको अच्छे से मेंटेन करके हमको तैयार करना चाहिए कि आराम से प्रॉपर इसका पानी निकल जाए, क्योंकि बारिश के समय किसान भाइयों, बारिश ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो इसका विशेष हमें ध्यान रखना होता है। और काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं बारिश के समय में गोभी में, और बारिश में अधिकांश दो फसलों में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जैसे अपना एक पपीता हो गया, गोभी हो गया, तो ये बहुत ही नाजुक टाइप के होते हैं कि बरसात ये ज़्यादा नहीं झेल पाते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अपना बारिश के समय आप जब भी खेत की जुताई वगैरह करवाएं उसको अच्छे से बराबर कर दें, जो आप क्यारियाँ डालते हैं वो अच्छे से बराबर होनी चाहिए, और जो भी आप प्लांटेशन करते समय अगर आपको कहीं अपर डीपर यानी खाली ऊंचा भी दिख रहा है उसको भी बराबर करके लगाएं, तो उससे क्या होगा, जब आपका बारिश स्टार्ट होती है तो पानी अपना आराम से क्यारियों में होता निकल जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक एक ही जगह पानी ठहराव ले लेता है तो अपना क्या होता है, अपनी फसल की वाइट रूट जड़ें गलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब हम इसी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ये जो गोभी होता है ये किस तरीके से अपनी फसल सूख जाती है, पौधे अपने गल जाते हैं। तो आप जो देख रहे हैं, आप दिखाइए किसान भाइयों को, ये आप काफ़ी देख सकते हैं कि काफ़ी बारिश में पौधे पूरे पूरे जा चुके हैं। इधर भी दिखा दीजिए, ये आप देखें। और हम अभी बात करेंगे, जैसे ये पौधे होते हैं, ये देखिए बहुत सारे पौधे किसान के सूख गए हैं, इसका कारण है कंटिन्यू बारिश हुई, और इसकी जो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर, जैसे मैं ये आपको ये पेड़ उखाड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो सफ़ेद जड़ें हैं ये पूरी तरीके से मर चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। और जब हमारी सफ़ेद जड़ मर जाती हैं तो पौधा हमारा पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा सूख जाता है, तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए किसान भाई अधिकांश क्या करते हैं, कोई भी फसल डालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपना रासायनिक खाद और तरह तरह के फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिससे क्या होता है अपना ज़मीन में गर्मी क्रिएट हो जाती है, और गर्मी क्रिएट होने के कारण बारिश भी होती है, उस समय बारिश के मौसम में अगर बारिश होती है तो थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, अगर बारिश होने के चांस है तो थोड़ा धूप भी ज़्यादा पड़ना स्टार्ट हो जाती है, गर्मी तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है ये अपनी वाइट रूट जड़ें ज़्यादा विकास नहीं कर पाती हैं। तो इसका मेन सोल्यूशन ये होता है कि आप जब भी खाद वगैरह डालते हैं तो उसमें आप मल्टीप्लायर जरूर कोटिंग करें, मल्टीप्लायर का आप स्प्रे भी कर सकते हैं किसी भी फसल में, और इसको आप ज़मीन से भी दे सकते हैं, तो इससे क्या मल्टीप्लायर आपकी ज़मीन में क्या काम करेगा, मिट्टी को मुलायम भी रखता है और प्रॉपर नमी को मेंटेन रखता है, और जब मिट्टी हमारी मुलायम होगी, प्रॉपर नमी मेंटेन रहेगी, तो अपना क्या होगा, जो वाइट रूट जड़ें होती हैं ये अपना विकास बहुत तेज़ी से करती हैं, जिसके कारण ये पत्ते आपके डार्क ग्रीन होंगे, पत्तों की संख्या ज़्यादा होगी और पत्ते आपके चौड़े होंगे। तो इस तरीके से आप बरसात के दिनों में आप मल्टीप्लायर तकनीक से गोभी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किसान का काफ़ी नुकसान हो गया है, इसका कारण यही होता है कि इसमें जो वाइट रूट जड़ें होती हैं ये पूरी तरीके से गल चुकी हैं, आप प्रॉपर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप, और काफ़ी किसानों भाइयों का सवाल ये भी होता है कि अपना नर्सरी भी इसी तरीके से गलना स्टार्ट हो जाती है, तो आप नर्सरी भी मल्टीप्लायर तकनीक से कर सकते हैं, और इसका अब इसमें आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन बारिश में क्या हुआ, इसकी जड़ें जो हैं पूरी तरीके से गल गई। ये देखिए पूरा हरा भरा पौधा है, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं, पूरा हरा भरा पौधा है। अब इसमें देखिए इतना बड़ा पौधा है, इसमें जड़ें कितनी,
ये देखिए सारी वाइट रूट जड़े पूरी तरीके से गल चुकी हैं। अब जब वाइट रूट जड़े नहीं बचेंगी अपनी फसल में तो ये भोजन कहाँ से उठा पाएंगे। तो आप मल्टीप्लायर तकनीक से अगर आप खेती करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वाइट रूट जड़े होती हैं, तो अगर बारिश हो भी रही है तो अगर कुछ जड़े अगर गल भी जाती हैं तो उसमें पेड़ में फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप फिर से बारिश निकलने के बाद आप फिर से स्प्रे कर दीजिए और उसको ज़मीन से दे दीजिए तो फिर से उसमें बहुत ज़्यादा वाइट रूट जड़े बढ़ जाएंगे, तो अपनी फसल में कोई किसी प्रकार का झटका नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको एक खेत में लेकर चलूँगा जहाँ पर प्रॉपर मल्टीप्लायर तकनीक से खेती हुई है और उसमें एक भी पौधा ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी पौधा गया हो यानी सूख गया हो। और हमारे इधर अभी यूपी लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है जिससे काफ़ी गोभी का काफ़ी नुकसान हुआ है, वो तो आप प्रॉपर देख सकते हैं। लेकिन आज जिस खेत में मल्टीप्लायर यूज़ हुआ है ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल ही नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ ना के बराबर, आपको ऐसा एहसास भी नहीं होगा कि इसमें नुकसान हुआ है। कहीं कहीं अगर चले गए थोड़े बहुत पेड़ तो चले गए, वरना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक से खेती करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, यानी कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो जैसे अगला बंदा अगर मल्टीप्लायर नहीं यूज़ करता है तो उसमें जैसे मान लीजिए 75% नुकसान हो गया, लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक से खेती करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा 25% ही नुकसान होगा। यानी प्राकृतिक आपदाओं से भी ये मल्टीप्लायर फसलों को बचाता है। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं गोभी के खेत में जहाँ पर अपना मल्टीप्लायर तकनीक से किसान ने गोभी तैयार की है और मैं पूरा आपको खेत का नज़ारा दिखाता हूँ, तो चलिए हमारे साथ। तो अब नमस्कार दोस्तों, और मैं आपको मल्टीप्लायर तकनीक से गोभी की खेती दिखाने जा रहा हूँ जिसमें स्प्रे में भी पड़ा है मल्टीप्लायर और अपना ज़मीन से भी किसान ने दिया है मल्टीप्लायर। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लायर तकनीक से गोभी का नज़ारा एकदम जादुई रिजल्ट है मल्टीप्लायर का। आप दिखाइए किसान भाइयों को, ये आप देख सकते हैं पत्ते, काफ़ी बारिश हुई है फिर भी आप पूरी फसल देख सकते हैं। थोड़ा आगे और दिखाओ कि इसमें आप देख सकते हैं जो है आगे, सब ये दिखाते रहो, ये आप देख सकते हैं काफ़ी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लायर तकनीक से गोभी तैयार हुई है। आप प्रॉपर देख सकते हैं, ये देखिए पूरा प्लॉट देखिए, कहीं भी आपको पौधा डैमेज नहीं दिखाई देता होगा, ये संभव है बस मल्टीप्लायर तकनीक से। और अगर हम बात करें देखिए प्रॉपर कितनी खेत में नमी है वो आप प्रॉपर देख सकते हैं, काफ़ी नमी है। ये देखिए ओस भी काफ़ी, इतना समय हो गया ओस भी काफ़ी पड़ रही है और आज फिर से बूंदाबांदी हुई है और ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत हुआ है पानी। और आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लायर का जादुई रिजल्ट है जो कि बारिश के दिनों में ऐसी गोभी आपको नहीं देखने को मिलती होगी, काफ़ी बारिश हुआ है लगातार और देख सकते हैं। ये देखिए किसान का पूरा प्लॉट है और ये गोभी का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये संभव है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर तकनीक से जो कि इतनी अच्छी आपको दिखाई देती होगी। तो आपने किसान भाइयों, आपने मल्टीप्लायर तकनीक से गोभी की खेती देख चुके हैं कि किस तरीके से बढ़िया पेड़ है और पेड़ कोई डैमेज नहीं हुआ, ग्रोथ भी अच्छी है और पत्तों से काफ़ी भरी हुई है। तो इस तरीके से मल्टीप्लायर अपना रिजल्ट दिखाता है। अगर आप भी चाहते हैं मल्टीप्लायर तकनीक से खेती करना तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा मोबाइल